तो कैसे हो भाई लोग, मेरा नाम है सरांच और आज की इस वीडियो में नीतू ही कर दे भाई। भाई मैं किस लोग भाई, नीतू ही कर, तू ही कर भाई, सारे इंट्रो की ऐसी तैसी कर दी तो रीटेक। तो कैसे हो भाई लोग, मेरा नाम है सरांच और आज की इस वीडियो में हम लोग पहली बार खेलने जा रहे हैं ग्रैनी 3। मैंने बहुत लोगों की देखी है इसको खेलते हुए, तो भाई बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वालिटी हाई बहुत, हाँ चलो ठीक है। मैंने बहुत लोगों की देखी है ये गेम खेलते हुए उन्हें, तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे को ज़्यादा दिक्कत आने वाली है इसको खेलने में। चलो देखते हैं फिर कैसा रहता है। ओके अभी हम आ गए गेट, तो सामने कैमरा लगा हुआ है भाई, ये इतना नोटिस नहीं करता ना यार मैं। वो देखो कैमरा, कैमरा देख तो वो जा रहा है अपना बंदा अभी। चालक ब्रो हो, अबे गेट अपने आप बंद हो गया। ओके ओके ओ, आसपास देख रहा है अभी, थोड़ा एनालाइज करने दो बंदे को भाई। ये हॉरर वीडियो को मैं कॉमेडी क्यों बना रहा हूँ। ओ ब्रिज भी ऊपर हो गया, अच्छा नीचे नाला है ना वो कोई। हाँ भाई ब्रिज भी ऊपर कर दिया इन लोगों ने, बड़े चंट लोग हैं यार ये तो। ग्रैनी ग्रैंडपा उसके घर पे नॉक नॉक करता नीचे, भाई कितना सुनसान हो रखा है यहाँ पे। ओ अचानक से जंप स्केयर आ गया, मार दिया सीधा। मतलब घर में मेहमान आया है उसका ऐसे स्वागत करते हैं, हैं बिल्कुल तमीज नहीं है तुम्हें, बेशर्मो। डे वन, अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है यहाँ पे लॉक पिक पड़ी होती है, पहले उसे उठाते हैं, यहाँ लगाते हैं, नीचे गड्ढा है, पहले गड्ढे में चलेंगे हम ऊपर नहीं जाते, लोग पहले ऊपर जाते हैं, लेकिन अपन गड्ढे में रहेगा। लोग पहले ऊपर जाते हैं एक्सप्लोर करने और मैं नीचे जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने, नेक्स्ट लेवल भाई जोड़ भाई। यहाँ कुछ मिला तो, ओ भाई ये मिल गया, चलो प्लैंक मिल गया हमें। एक काम करता हूँ शोर करके ग्रैनी को बुलाता हूँ ताकि मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊँ। ग्रैनी वेयर आर यू, अरे जल्दी आना बुढ़िया, इतना धीरे क्यों चल रही है। चलो थोड़ा सा शोर करते हैं जिससे वो आगी। वो भाई मैं अचानक से देखने निकला, वो भाई वो डंडा लेके आगे खड़ी है। इस साइड शोर कर दिया अभी हमने, वो अब उस साइड जाएगी। नॉइम्स, अब हमें ऊपर चलना है, बस कहीं ग्रैंड पा ना मिल जाए ना तो लग जाऊंगे। आईसीयू कर रही है भाई, आईसीयू में भेज दूंगा तेरे को, चुपटा निकल ले। माचिस मिल गई, नाइस। एक काम करता हूँ पहले ऊपर जाके ये प्लैंक लगा के आता हूँ, ड्रॉस देखते हुए चलते हैं। सॉरी सस्ती सिलेंडरी ना कहीं की, ओ भाई भाई ये किसी दिन मारेगी पक्का भाई। आ जा आराम से आ जा, हार्ट अटैक तो मत दे। अचानक से आ रही है कि ये यहाँ पे लगा के, ये ग्रैनी भी चढ़ जाती है ये इसके ऊपर, ग्रैनी चढ़ गई तो भाई दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पे ब्रिज क्रैंक मिला, ओके ले लेते हैं, नीचे फेंक दो इसे। अब नीचे साउंड हुआ, नीचे ग्रैनी या ग्रैंड पा में से कोई आएगा। ये ग्रैंड पा ऐसे तो नहीं है नीचे खड़ा है वो, ऊपर गोली चला दे ऐसा हुआ तो भाई सही में दिक्कत आ रही। आ ग्रैनी आ गई बुढ़िया, नीचे कूदो। हाँ से बुढ़िया आ दूर दूर, वो भाई वो ऊपर जा रही थी, नीचे कहाँ से आ गई। ग्रैंड पा नाओ किचन में प्लीज, सारे मेरी जान लेने में तुले पड़े हो बुड्ढो। ओ भाई
मेरे आगे ग्रैंडपा तो वो भाई क्या बच के आया उससे। मेरी हार्ट बीट 2 सेकंड के लिए भाई इतनी तेज हो गई थी ना भाई। अब चलो डर बैठ गया यार मन में। ओमाए वा मो शिंदे इरु नानी डे 1 खत्म। अब डे 2 भाई अब डर बिठा दिया यार उन्होंने। ग्रैंड पे भूखे को क्या किचन में ही रहना होता क्या, कहीं और नहीं जा सकता था। इतना रोने की बच्चा रुकनी, वैसे मेरे को अभी बहुत दिन बचे भाई। जू नहीं होना चाहिए, मैं गेट खोलूं ग्रैनी आगे खड़ी है। सही में भाई शायद गई भाई। ये मैं इजी मोड पे खेल रहा हूँ तब मेरे को इतना डर लग रहा है, हार्ड पे चला गया तो मेरा क्या होगा भाई। किसने देखा, देखा किसने? ग्रैंड पाने देखा होगा तो गई दिक्कत आ जाएगी। ग्रैनी ने देखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रैंड पा ने देखा होगा तो यार दिक्कत आ जाएगी। सही में बहुत गलत है। वेपन की ये बेटे अब आए ना, कौन सा बोल रहा आ बुढ़िया आ गई सही में। ओ भाई अभी मेरे को वेपन निकालने दो फिर आना भाई, पहले मैं वेपन निकाल रहा हूँ। उधर से बुढ़िया चली जा प्लीज। बुढ़ा तेरा पति उधर से, इधर ही आ रहा है क्या इसको? उधर से बुढ़ा आ गया। नो शिट 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 शिट, बुढ़ा देख लेगा। अबे सस्ती कही कि तेरे को अभी आना है क्या? एक काम करो, कोई आ रहा है क्या? कोई ऊपर तो नहीं आ रहा? आ यार ये ग्रैंड पे कहीं का ऊपर क्यों आ रहा है? बस अब मैं छुप गया बेड के नीचे। चलो अभी तो मेरे को सेफ लग रहा है यार, अभी काफ़ी देर से मैं बैठा हूँ कोई आया नहीं। अभी तो मेरे को सेफ लग रहा है, बाहर चल के देखूँ। धीरे धीरे अभी, क्योंकि गाइस मेरे को स्टोन भी कलेक्ट करने जाना है। आ यार ये बुढ़िया कहीं की हर तरफ जहाँ जाऊँ वहाँ आ जाती है, तेरे को तो मैं बताता हूँ अभी। अब आ सस्ती जा निकल, पहली फुर्सत में निकल। एक और पत्थर दो ना, बुढ़ा भी आ जाएगा। येरा पत्थर, हाँ अब कहाँ है वो बुढ़ा? मेरे को शॉटगन मिल जाने दो फिर बताऊँगा। कहाँ है ये रहा? आ लिया, चल निकल। हाँ मेरे को शॉटगन मार रहा है, खुद को क्या दादा समझ रहा है? अब गाइस जब शॉटगन अपने हाथ में है, यानी गेम अपने हाथ में है। यहाँ पे और भी तो ड्रॉर से देख लेते हैं, आई डोंट थिंक सो कुछ मिलेगा, क्योंकि वुड यानी इससे मैं कौआ मार सकता हूँ, लेकिन कौए को तो मैं शॉटगन से ही मार दूंगा ना। हाँ सिंपल है भाई, सिंपल चीज़ को इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बनाना। यहाँ पे माचिस थी जिसका मेरे को कोई यूज़ नहीं है, यहाँ ड्रॉर्स देख लेता हूँ पहले। पैडलॉक की, नाइस। पहले कौआ मारा तो उससे हो सकता है कुछ तगड़ा मिल जाए। बड़ा कौआ, ये ऊपर वाली जगह भी है ना यार वैसे काफ़ी सेफ है, क्योंकि यहाँ ग्रैनी ग्रैंड पे तो आ नहीं सकते। ओए मरा कैसे नहीं बे तू, ज़्यादा बदतमीज है, ज़्यादा बदतमीज है शेड की। हाँ एक काम करते हूँ यहाँ से। ओए 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 कहाँ
बॉल क्या ऐसी की तैसी। मैं सोच रहा था शेड के लेके नीचे फेंक देता हूँ, ये तो मेरी शॉटगन ही नीचे गिर गई। पहले तो शेड की को यहाँ फेंक देता हूँ, जिससे अगर ग्रैनी ग्रैंड पर उठे भी होंगे तो शोर की वजह से वो लोग वहाँ चले जाएंगे। मास्टर माइंड है भाई तुम्हारे भाई के पास, यहाँ पे ही मारा था ना मैंने उनको। जानी अगर ग्रैंड पर उठ गया ना, उसने शॉटगन ले ली तो दिक्कत आ जाएगी। ये मैंने एक ट्रिक देखी थी, ऊपर अगर हम जाए तो वहाँ से निकलने की ट्रिक। मेरी अपनी शॉटगन, अब बस जल्दी से मेरे को इसमें एमओ भरना है। एमओ एमओ यहाँ किचन में ही थी ना। हाँ ये रही एमओ। मैं सोच रहा हूँ ग्रैनी ग्रैंड पर को एक बार और टपका देता हूँ, बाकी काम अपना फिर बाद में करूँगा। शोर करके ग्रैनी को बुलाता हूँ। अब तो आ जाओ ग्रैनी। आ तेरी ऐसी भाई, ग्रैनी को बुलाया था ये भाई भूतनी आ गई। मैंने तो ग्रैनी को बुलाया था। शेड खोल दूँ क्या? आएंगे तो उठा लूँगा शॉटगन। चलो बेटा दूर रहना, नहीं दूर नहीं यार पास ही आ जाओ। हमें केबल भी चाहिए, जनरेटर केबल, जिससे इलेक्ट्रिसिटी आएगी। ग्रैनी ग्रैंड पा, हाँ ये रे दोनों बुढ़ा बुढ़ी। आ तेरी ओ भाई, ओए लगी क्यों नहीं, एक को तो लगा। चल बुढ़ा डाउन। अब बुढ़िया के लिए यार अब और गोलियां ढूंढ के लाओ भाई। वैसे यार पहला वाला शॉट लगा क्यों नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ। आराम से लग जाना चाहिए था, यहाँ पे भी थी ना बुढ़िया। ये रही ठीक है, बेशरम बोलते ही आ गई। अब मेरे को और एमओ लेने जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और एक एमओ तो ये रही, और अब दूसरी एमओ यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो पैडलॉक की है। एमओ एमओ आ तेरी भाई, तू क्यों आ जाती है यार? मैं आराम से अपना शराफत से एमओ ढूंढना है, वो पता नहीं कहाँ जाएगी। तो दिमाग खराब कर रखा है, गेट रोड्स भी देख लेते हो एक बार। ओ टेडी चल, अब तेरा काम समझ खत्म हो गया। सिलेंडरी ना तू तो गई, अब तेरा तो भाई तेरा तो खत्म कर दूंगा। तू तो गई बेटा समझ, अब बहुत देर से डरा लिया ना मेरे को तूने। चल अब निकल, मेरे पास वहाँ जाने के लिए लिफ्ट नहीं है, तो इसलिए मैं छत वाले रास्ते से आ रहा हूँ, जो कि थोड़ा सा लॉन्ग कट है, बट मैं यहाँ से आ सकता हूँ। और ये आ गया, तू तो गई बेटे। चल निकल। ओ ग्रैनी ग्रैंड पा की हाल, नीचे तो नहीं है वो, कौन सी की सेफ की। नाइस, तो पता चले मैं नीचे जाऊँ वो नीचे ही घूम रहे हो। मेरे को मेरी शॉटगन भी उठानी है भाई, सेफ यहाँ थोड़ी होता है, पीछे होता है। शॉटगन अगर ग्रैंडपा के हाथ लग गई तो बड़ी दिक्कत आ रही है। ट्रेन की कोई एक पर्टिकुलर एस्केप का मेरे को घंटा भी नहीं मिल रहा, सारे इधर उधर के एस्केप का मिल रहा है। ये रही मेरी शॉटगन, मैं करूँ क्या यार, देखते हैं। और मैं क्या कर सकता हूँ अभी, मेरे को नीचे नारियल ढूंढना पड़ेगा मेरे को। गेरा बुढ़ाऊ, अबे लगता क्यों नहीं इसको, कभी पहली बार में मरता ही नहीं है। बुढ़िया को मार के आता हूँ यार, एमओ की कमी पड़ रही है, ऐसी लागत ना आ जाए कि मेरे को स्लिंग शॉट यूज़ करना पड़े। भाई बच गया, मेरे को लगा ये भी मिस होएगा। मेरे को
नारियल वगैरह चाहिए होगा, जो कि अब पता नहीं मेरे को कहाँ से मिलेगा। एक काम करता हूँ, स्लिंगशॉट उठाता हूँ। मेरे को एक काम करना है, इसको लेके पहले तो कहीं छुपा के फेंक के आता हूँ। यार छुपा देता हूँ, अंदर अंदर भाई। ग्रैंडपा, तू ग्रैंडपा के हाथ लग गई ना, मेरे को दिक्कत आ जाएगी। स्लिंगशॉट लेता हूँ, पत्थर लेता हूँ। मेरे को दो ही पत्थर चाहिए, लेकिन फिर भी फॉर फ्यूचर 3-4 पत्थर रख लूँगा, अगर कभी काम पड़ जाए ग्रैनी ग्रैंडपा को मारना हो तो। पत्थर इतने कम क्यों हो गए भाई, जमीन है, जमीन पे पत्थर नहीं है क्या, है हीरे मोती लगवा रखे हैं क्या, पत्थर ही नहीं है, इतने कम कम पत्थर है। हेलो पत्थर, वेयर आर यू पत्थर। एक पत्थर और रख लेता हूँ, ग्रैनी ग्रैंडपा उड़ के उनको मारना होगा तो। अबे एक पत्थर और चाहिए भाई, प्लीज़ मिल जा, सिर्फ एक पत्थर और चाहिए, मेरा काम हो जाएगा प्लीज़। कितने जिद्दी पत्थर है ये। चल कोई बात नहीं, अभी पहले वो वेसल्स वाला काम करता हूँ। मैंने बहुत लोगों को देखा वो काम करते हुए। उसके लिए हमें पहले ऊपर जाना होता है यहाँ से। हाँ कहाँ गया पे वो? हाँ एक तो ये रहा, इसे टपकाओ, और दूसरा वे वहीं तो होता है दूसरा। हेलो, अच्छा यहाँ नहीं होता, सॉरी वो होता है यहाँ। स्लॉग लेने भी चल रहे हैं, वो नीचे गिर गया। ये काम है ना थोड़ा सा कहीं लंबा है, तो इसे थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो ग्रैनी ग्रैंड पर कभी भी उठ सकते हैं। इस काम में मेरे को ऐसे दोनों वेसल्स भरने हैं पानी से, और फिर वहाँ नीचे एक एरिया था उसमें जाके लगाने हैं, फिर उस एरिया में पैडलॉक की भी लगानी है। मेरे को अभी ट्रेन के एस्केप के लिए दो चीज़ें मिली है ना, अभी मेरे को शायद दो चीज़ें और चाहिए। ये वाले एरिया, यहाँ पे ये वाला वेसल लगेगा यहाँ पे, इसको खोलने की मेरे को जरूरत। तेरी भागो, गुड्डा मारेगा गंदा, भागो रैप्ट मारेगा। तो इस पे शॉट गन नहीं है ना, प्लीज प्लीज। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बचा लो। कहाँ है, आ क्यों नहीं रहे? हेलो मैं झाकू क्या? दिख नहीं रहा अभी, आ गया। ये सही टाइम है, यहाँ से जल्दी उठ के भग लेता हूँ। ये वाली डोर तो मैंने चेक ही नहीं की, कुछ है ही नहीं यार इस रूम में, यहाँ भी कुछ नहीं है। हाँ मैं दूसरा वैसे उठा लेता। आ तेरी, ओ भाई क्या डराती है ये। गाइस ये मेरा day 3 है, बट है ना गाइस ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। आई डोंट थिंक सो कि आज मैं एस्केप कर पाऊँगा, तो इस वीडियो को और लंबा करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।